अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ व राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जिले में चौथे रोज भी जारी है। अपनी 6 सूत्रीय मांगे मनवाने के लिए ग्रामीण डाक सेवकों का झुंझुनू प्रधान डाकघर कार्यालय सहित जिले अन्य डाकघरों के सामने धरना जारी है। जिले में डाक सेवकों की हड़ताल के चलते रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट, पार्सल सहित साधारण डाक का वितरण बीते 4 दिनों से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा अल्प बचत में बचत बैंक जमा निकासी, सुकन्या खातों में राशि जमा, टीडी जमा, सुकन्या खाता खोलना, IPVB के कार्य पूरे तरीके से बंद हैं। इसके अलावा ग्रामीण डाक जीवन बीमा का कार्य भी प्रस्तावित हो रहा है। डाक सेवकों ने बताया कि 8 घंटे की ड्यूटी, समान पेंशन लाभ देने, नियमित कर्मचारियों की तरह 12, 24, 36 वित्तीय लाभ देने, 5 लाख सामूहिक बीमा का कवरेज देने, ग्रामीण डाक सेवकों को 5 लाख ग्रेच्युटी देने, सालाना 180 दिन का सवैतनिक का अवकाश की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई। डाक सेवकों ने बताया कि जब तक डाक सेवकों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक डाक सेवक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हमारी मांगे है कि हमें पूर्णतः विभागीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, हमारी सेवा 8 घंटे पूर्ण हो, मतलब हमें 5 घंटे की ही काम करवाते हैं, हमें 8 घंटे की सेवा हो, हमें 180 दिन की छुट्टियाँ लागू हो और मेडिकल सुविधा सरकार हमें नहीं दे रही है, इसे वंचित है, मेडिकल सुविधा दी जाए, ग्रेजुएटी है वो 5 लाख दी जाए, 12, 24, 36 का फायदा दी जाए, ग्रुप इंश्योरेंस का पूर्णतः फायदा नहीं है वो फायदा दिया जाए। जिले में 12 तारीख से हम रेगुलर हड़ताल पर हैं और आज हड़ताल का 4th दिन है और हम जब तक मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हड़ताल पर रहेंगे।